गाइस, वेलकम टू बाइक पर नबी के। सो गाइस, इस वक्त हमारे सामने जो बाइक है ये है यामाहा YBR-G और यह है इसका 2020 मॉडल। आज हम इस बाइक का ऑनर्स रिव्यू करने जा रहे हैं और ऑनर ने इस बाइक को ऑलमोस्ट 18,000 किलोमीटर चला लिया और ये फर्स्ट ऑनर है इस बाइक के, तो इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि बाइक में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, बाइक के प्रोज और कॉन्स हमसे ज़्यादा ये जानते होंगे। तो अब हम इस बाइक का एक प्रॉपर ऑनर्स रिव्यू करेंगे और उसके बाद मैं इसकी टेस्ट राइड भी आपको दिखाऊंगा और मैं खुद बताऊंगा कि मुझे कैसा फील हुआ इसको चलाकर। तो बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है ऑनर और अब इनसे सवाल जवाब करते हैं हम, जो हमने करने हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है बेसिकली वो ये है कि आपने ये बाइक कितने का खरीदा था? मैंने लिया था उस टाइम 1,63,000। अब ये कितने टाइम पुराने बात है? 2020 2020 में आपने लिया था 163 का और अब माशाल्लाह से प्राइस जो है वो है 349। तो डिफरेंस जो है वो तकरीबन 1,60,000-1,70,000 तक आ चुका है अभी तक जी। और अब आप इसको बेचने जाएं तो आपको कम से कम 2 से तो अबव का बिक जाएगा ये इजीली। लेकिन फिर लेने के लिए भी तो कुछ नहीं है ना। हाँ, ये भी है। अब प्राइजेस सिर्फ इसकी थोड़ी बढ़ी है, सारे हर बाइक की बढ़ गई है प्राइस। अच्छा, इसके अलावा आपने इस बाइक को अब 18,000 चलाया है, आपने किस तरह चलाया है? स्लो चलाया है या फास्ट चलाते थे आप बाइक को? मैक्सिमम तो हाई रेवी है। एक दफ़ा एवरेज चेक करने के लिए कि जी कितनी मैक्सिमम मिलती है शहर में, तो उसी के लिए फिर वो जो मैनुअल के ऊपर उन्होंने कहा था कि 6,000 RPM के अंडर गियर चेंज कर लें, जिस तरह वो रनिंग में उन्होंने कहा था, तो वैसे चलाया था तो 45.5 तक आ गई थी एवरेज। 45.5। अच्छा, अभी आपने चेक की अभी कितनी एवरेज आपको आ रही है? अभी आपने टैंकी, अभी इसकी टैंकी फुल है? नहीं, अभी रिजर्व लगाया तो वो कैलकुलेट हुई है तो 40 आई है, उस पर मैक्सिमम तो मैंने 45 तक अचीव कर लिया आपने 45 तक। और इसमें स्पीड कितनी मेंटेन रखी थी आपने? मतलब टॉप साइकिल की स्पीड मेंटेन नहीं होता, अब ट्रैफिक इतनी होती है कि मेंटेन तो कर नहीं सकते, मतलब एक स्पीड नहीं है 60 से 80 के दरमियान रहे थे आप। हाँ, मतलब गियर ये जो RPM है ये लिमिटर को टच होता था तो गियर चेंज होता था, इसमें अब आप खुद देख लें आप सिटी के अंदर कहाँ बनता स्पीड मेंटेन। हाँ, तो इसका मतलब ये है आपका हाथ तो बड़ा भारी है। अच्छा, आपने कोई लॉन्ग टूर किया इसके ऊपर? हाँ जी, आपके साथ किया था एक। हाँ, एक मेरे साथ था, वो तकरीबन 160 किलोमीटर का हमने किया था, 160 किलोमीटर मेरा अपना बाइक था, ये बाइक था और एक कावासाकी GTO था और एक और आपने कौन सा किया था? 50 किलोमीटर का था एक बस छोटा। ये एक एक साइड का? हाँ जी, मतलब टोटल 100 हो गया जी। उस वही बाइक फिर दबा के चलाया था? हाँ, 100 सही है कंटिन्यूस। अच्छा, इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? कोई बाइक ने तंग किया हो लॉन्ग टूर के ऊपर, बाइक ने कोई मिसिंग वगैरह की हो, या फिर बाइक की कोई मतलब कोई इशू आया हो बाइक के अंदर लॉन्ग टूर के हिसाब से, मिसिंग या कम्फर्ट का कोई इशू हुआ हो? नहीं, कम्फर्ट तो बहुत अच्छा, थकाता नहीं है। अच्छा, बाइक की जो सीट है ये कैसी है? अच्छा, इसकी जो सीट पे ये आपको थोड़े छोटे छोटे पोर्स नज़र आ रहे हैं, इसका फ़ायदा आपको बेसिकली पता है? इसका फ़ायदा अगर फॉर एग्जांपल हम गाड़ी साइकिल हीट पे खड़ा हुआ है ना, मतलब अगर धूप आ रही है सीधा, धूप डायरेक्ट पड़ रही है, बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन जब आप जैसे बैठते हो ना तो वो हीट मतलब एब्जॉर्ब हुई होती है तो वो बाहर निकल जाती है, ये पोर्स से निकल जाती है। हाँ जी, तो मतलब ये हीट गर्म नहीं होती, फिलहाल लग रही होती है कि गर्म है, लेकिन जैसे हम बैठते हैं तो वो फिर हीट वो मतलब बाहर निकल जाती है सारी। अच्छा, डेली यूज़ है, जब इस डेली यूज़ करते हैं आप इस बाइक को तो डेली यूज़ रफ यूज़ है इसका डेली? हाँ जी। अच्छा, डेली रफ यूज़ वो, अच्छा मतलब आपने जो एवरेज चेक की थी वो सिर्फ कम स्पीड पे कुछ देर के लिए चलाया था ताकि आप एवरेज बेसिस, मतलब मैंने सिर्फ इसके अंदर एक टैंक चलाया था आराम से। अच्छा, बाकी फिर दबा के चलाया? हाँ जी, सही है। अच्छा, डेली यूजेज आपका कितना होता है? 30 से 35 किलोमीटर। 30 से 35 किलोमीटर, ये पूरे एक दिन का? हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको अच्छी चीज़ें क्या लगी और इसमें बुरी चीज़ें क्या लगी? बुरी चीज़ें हैं, क्वालिटी है थोड़ी सी कम, जो जापानीज मॉडल जो इनके आए थे पहले 2016 तक 15 और 16 मॉडल, हाँ वो अच्छे थे क्योंकि वो सारे जापानीज थे ना, इसमें कुछ पार्ट्स जापानीज हैं, जो लोकल पार्ट्स हैं उसकी तो फिर क्वालिटी आपको पता पाकिस्तान है। बस मतलब क्वालिटी का ही इशू आया आपको? हाँ, और इतना कोई इतनी बुरी भी नहीं है, अब इसके इतने सारे एक्सीडेंट हुए हैं लेकिन ये जो प्लास्टिक जिसे कहते हैं कि ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक टूटा नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर स्क्रैच आ गए थे काफ़ी सारे लेकिन ये टूटा नहीं अभी तक। सही है, मतलब फिर क्वालिटी ठीक है। हाँ, बुरी नहीं है क्वालिटी, मतलब कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर क्वालिटी ख़राब है। अच्छा, ओवरऑल बाइक में नहीं है, बस कुछ हिस्से जो हैं बाइक के वो बस। अच्छा, इसके अलावा बाइक के अंदर आपको अच्छाइयाँ क्या लगी?
सारी अच्छाई हैं, कंफर्ट सबसे अच्छा है इसका, और ब्रेकिंग, ब्रेकिंग से अच्छी और कोई चीज़ नहीं है इसका। अच्छा, उसके अलावा इसके जो टायर, फ्रंट टायर खास तौर पे, वो बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने सुना है बहुत से ओनर्स कहते हैं कि इसका टायर जो है ना, इसके टायर 5BR के बाद अगर हम इस पर शिफ्ट करें तो हमें जो फ्रंट टायर है वो काफ़ी बेनिफिट देता है, खास तौर पर ब्रेकिंग के। मैं इसको ना मतलब आंखें बंद करके भी मोड़ दूँ तो मुझे ये नहीं डर होता कि स्लिप हो जाएगा। अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया मतलब 18,000 चलाने के बाद। अच्छा, टॉप स्पीड कितनी मारी आपने? टॉप स्पीड मैंने रनिंग में ही मार दी थी, क्या 120 पे 120 पूरा पूरा चला गया था उस वक्त। और उसके रनिंग के बाद भी एक दफ़ा या दो दफ़ा गया, लेकिन फिर वो मतलब वो पता नहीं मैकेनिक्स क्या करते हैं, वो फिर 100 पे या 110 तक बस वहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर थोड़ा सा बंदा नीचे झुक जाए या हवा अगर हमारे साथ है तो फिर 120 तक चला जाता है। 100-110 तक चला जाता है नॉर्मली, मतलब दो बंदों के बैठा के 100 पे चला जाता है। अच्छा चलो, अच्छा इसके अलावा आप इसमें कौन सा ऑयल डलवाते हैं? यामाहा का अपना, वो खुद रेकमेंड करते हैं कि गर्मियों के अंदर होता है यामाहा ल्यूब, वो सिंपल होता है, और जो सर्दियों में होता है वो ल्यूब प्लस होता है। अच्छा, ताकि वो इंजन के अंदर ज़रा साउंड होता है ना सर्दियों के अंदर, अगर हम दूसरा ऑयल डलवाएं वो ज़रा पतला ऑयल होता है जिसकी वजह से वो कहते हैं ज़रा साउंड कम हो जाए इंजन में। अच्छा, इसके अलावा माइलेज भी ज़्यादा है, वो कहते हैं 3,000 किलोमीटर चलता है वो। अच्छा, बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी पड़ जाती है आपको, बाइक की जो ट्यूनिंग करवाते हैं? अच्छा, और ट्यूनिंग कितने टाइम बाद करवाते हैं, क्या कितने किलोमीटर के बाद? ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि ऑयल चेंज करें, बाकी इसको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। अच्छा, ट्यूनिंग अगर हम मतलब ओवरऑल चेकअप करें, कार बैटरी की मतलब सफाई वगैरह हो गई? नहीं, वो खुद ही मना करते हैं, कहते हैं कि जो अब तक हमारे पास जो भी हमने मोटरसाइकिल के कार बैटर वगैरह साफ़ भी किए हैं तो वो मतलब बहुत रेयर हैं, मतलब नहीं पड़ती। यामा के जो मैकेनिक्स हैं वो नहीं करते, इसके अंदर फिल्टर बहुत सारे हैं ना। हम्म, कार्बोरेटर इंजन तक पेट्रोल जाते जाते ही बहुत साफ हो के जाता है ना, फिर इसलिए फिर वो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मतलब मेंटेनेंस में इसका सिर्फ ऑयल चेंज है, एयर फिल्टर वो 6,000 के बाद करते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आप मतलब किस एरिया में ज़्यादा चलाते हैं, जहाँ मट्टी ज़्यादा है वहाँ पर फिर माइलेज एयर फिल्टर की भी कम हो सकती है ना। अच्छा, आपने कार्बोरेटर इसका साफ़ करवाया अभी तक? 18,000 आपने चलाया तो उन्होंने खुद भी नहीं किया? हाँ, कोई इशू ही नहीं हुआ ना, ज़्यादा मोटरसाइकिल झटके मारे या मिसिंग करे या कोई इशू है, वो मिसिंग वाला इशू था वो हमने ख़त्म करवा दिया। अच्छा, वह काफ़ी मतलब सोच के फिर उन्होंने कहा, देखा तो फिर वो एयर फिल्टर उन्होंने कहा कि हर 300 किलोमीटर के बाद साफ़ करवा लिया करें, तो वो जैसे वो शुरू किया है तो फिर अब तो मिसिंग भी ख़त्म हो गई जो इसके 9,000 के बाद आती थी। अच्छा, RPM 9,000 के बाद। अच्छा, इसके अलावा आप ये बाइक किसी और को रेकमेंड करेंगे, अब की जो बाइक की प्राइस है उस हिसाब से? अब बाकी 0 मीटर जिसने लेना है वो तो लेगा, लेकिन अब जो नहीं ले सकता उसके लिए तो बेहतरीन है मोटरसाइकिल, यूज़ में ले ले वो उसको। अच्छा, अच्छा, तो एक्सीडेंट जो आपके हुए थे, कोई मेजर एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता मेजर हुआ था लेकिन वो अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन इसके शॉक्स टेढ़े हो गए थे, ये एयर स्कूप्स थे ये टेढ़े, मतलब इनके ऊपर निशान आ गए थे लेकिन ये टूटे नहीं थे बिल्कुल, मोटरसाइकिल इसके ऊपर फुटपाथ के ना एज पे जाके लगा था, लेकिन अभी तक इसमें से टूटा कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ निशान आए हैं। हाँ, सिर्फ निशान आए हैं, और ये जो प्लेट्स हैं स्लेंसर के ऊपर ये टेढ़ी हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, सो गाइस ये था बेसिकली आज का रिव्यू, और अब हम इसकी टेस्ट राइड करते हैं, और टेस्ट राइड के बाद मैं आपको टेस्ट राइड में बताऊंगा बाकी कि मुझे कैसे फील हुआ इसको चलाकर। सो गाइस, आप बाइक की टेस्ट राइड करते हैं, और टेस्ट राइड करने के दौरान आप सबसे पहले मीटर को देख सकते हैं कि इसमें तो आपको सब कुछ मिल रहा है, सिर्फ असेंबलीज में कील स्विच और टिपर मिसिंग है। उसके अलावा अब मैंने बाइक को थोड़ा सा चला लिया है, और चलाते वक्त जो मैंने सबसे पहली चीज़ नोटिस की है वो है कम्फर्ट। अब कम्फर्ट में तो इस बाइक के अंदर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं की गई। जब मैंने इस बाइक को नया चलाया था, जब भी बाइक नया आया था उस वक्त मैंने इस बाइक को चलाया था और अभी चला रहा हूँ, तो कंफर्ट में मुझे कुछ इतना डिफरेंस नहीं फील हो रहा। माइनर सा डिफरेंस आ गया है क्योंकि बाइक का एक्सीडेंट हुआ था तो इसके शॉक्स टेढ़े हो गए थे, शॉक्स अब सीधे करवाए थे तो उसके बाद अब थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन आपको इतना पता नहीं लगता। अभी भी अगर आप इसकी स्पीड 80 के ऊपर मेंटेन रखेंगे तो आपको कुछ इतना फील नहीं होगा। मैं आगे इसकी स्पीड जो है उसको इंक्रीज़ भी करूँगा, इसको मैं ऑलमोस्ट 80 से 90 की स्पीड में रखूँगा, और उसमें भी आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे फ़ील किया। इस बाइक के अंदर अभी तो कोई इशू नहीं आ रहा मुझे, बाइक की ब्रेकिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। उसके अलावा बाइक के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो तंग करे। ख़ास तौर पे अगर हम इस बाइक की रोड ग्रिप को देखें तो जो नीचे रोड है, जिस रोड पर मैं चला रहा हूँ उस पर हल्की हल्की बजरी भी पड़ी हुई है। मैं इसको ईज़िली 30 से 40 की स्पीड में मोड़ रहा हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है,
कहीं पर ऐसे फील नहीं हो रहा कि बाइक रोड ट्रिप छोड़ देगा या बाइक स्लिप हो जाएगा, निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। उसके अलावा अगर हम बाइक की स्पीड और पिकअप की बात कर लें तो बाइक की जो पिकअप है वो अच्छी है, और स्पीड वाइज अगर बात करें तो मैं इसको अभी मेंटेन करूँगा 80 की स्पीड तक, 70 से 80 की स्पीड तक, बल्कि इससे ऊपर भी जाऊँगा। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ नोटिस करने वाली है वो कम्फर्ट है, और कम्फर्ट वाइज वाइब्रेशंस हल्की फुल्की हैं, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं फील हो रही कि जिस तरह आपको होंडा 125 के अंदर एक वाइब्रेटर इंजन चल जाता है या जनरेटर चल जाता है, तो उस तरह का हिसाब नहीं है यहाँ पर। बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है अपनी हाई स्पीड के ऊपर भी, और उसके अलावा बाइक ने रोड ट्रिप नहीं छोड़ी, बाइक की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, और बाइक चलने में बहुत ज़बरदस्त है, जम के चल रहा है, ऐसा कहीं फील नहीं हो रहा कि बाइक हवा में है। जिस तरह जब आप CD70 को हाई स्पीड के ऊपर लेके जाते हैं तो बाइक बहुत ही हल्का हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे अभी उड़ जाएगा। बहरहाल अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात कर लें तो अभी जो इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 3,52,500 रुपीज़, 3,52,500 रुपये इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को बाइक मैंने को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।